आइए अब एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। कोई फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहा था। इन पेटियों में आमों की संख्या डिफरेंट डिफरेंट जो कि इस टेबल में दी गई है। टेबल के पहले रो में आमों की संख्या है जो कि क्लास इंटरवल के फॉर्म में है, जिसका क्लास साइज h=52 - 50=2। अब हमें इन पेटियों में रखे आमों की माध्य संख्या निकालनी है और ये भी बताना है कि हमने माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सा मेथड का प्रयोग किया है। आइए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, क्योंकि आमों की संख्या का जो xi निकलेगा वो बड़ा है, न्यूमेरिकल वैल्यू में वो बड़ा होगा और पेटियों की संख्या भी ऑलरेडी न्यूमेरिकल वैल्यू में बड़ी दी हुई है, तो इनका कैलकुलेशन हार्ड हो सकता है, इसलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे, तो ये क्वेश्चन काफी इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला xi = ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा डिवाइडेड अपॉन 2। अब इसी फॉर्मूले पर हम x1 भी निकाल सकते हैं, यानी पहले क्लास इंटरवल का वर्ग चिन्ह = पहला क्लास इंटरवल है 50 से 52, इसलिए पहले क्लास इंटरवल का वर्ग चिन्ह होगा 50 + 52 अपॉन 2 = 102 अपॉन 2 = 51। इसी तरह हम x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, x2 = 54, x3 = 57, x4 = 60, x5 = 63। अब हमें एक assumed mean a चूज करना पड़ेगा जो कि xi के बीच वाला टर्म होगा। हमारे xi हैं 51, 54, 57, 60 और 63। इनके बीच का टर्म होगा 57, यानी a = 57। अब हम di निकालेंगे। di = xi - a = d1 = x1 - a = 51 - 57 = -6। इसी तरह d2 = x2 54 है और a हमारा 57 है, तो 54 - 57 = -3। इसी तरह हम d3 निकाल सकते हैं। d3 = 0, d4 = 3 और d5 = 6। अब हमें ui की वैल्यू चाहिए। ui की जो वैल्यू होती है di/h, यानी u1 की वैल्यू होगी d1/h = d1 हमने निकाला है अभी -6 - 6/h हमने 2 लिया है, तो u1 की वैल्यू हो जाएगी -3। इसी तरह u2 की वैल्यू होगी d2/h -3/2 = -1.5। इसी तरह u3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। u3 की वैल्यू होगी 0, u4 की वैल्यू होगी 1.5 और u5 की वैल्यू होगी 3। अब हमें मीन निकालने के लिए एक प्रोडक्ट की आवश्यकता है जो कि ui और fi का प्रोडक्ट होगा। आइए अब हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। और ये सारी वैल्यूज उसमें पुट करेंगे, तो आइए एक टेबल ड्रॉ करते हैं। आइए पहले इस टेबल को समझते हैं। इस टेबल में 5 कॉलम है। पहला कॉलम आमों की संख्या है, दूसरा कॉलम पेटियों की संख्या यानी कि fi है, तीसरा कॉलम वर्ग चिन्ह यानी कि xi है, चौथा कॉलम ui है और पांचवा कॉलम fi के साथ ui का मल्टीप्लीकेशन है। टोटल पेटियों की संख्या यानी समेशन ऑफ fi = पेटियों की संख्या के जितने भी टर्म है सब टर्म का एड, यानी 15 + 110 + 135 + 115 + 25 = 400। इसी तरह समेशन ऑफ ui fi यानी कि ui fi के हर टर्म का सम, यानी -45 + -165 + 0 + 172.5 + 75 = 37.5। इसलिए मीन, अब मीन माध्य पग विचलन विधि से x̄ = a + summation of ui fi / summation of fi
इंटू एच। हम जानते हैं कि ए हमने ए इज इक्वल टू 57, एच इज इक्वल टू 2, समेशन ऑफ यू आई एफ आई इज इक्वल टू 37.5 है और समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 400 है। इसलिए माध्य एक्स बराबर ए प्लस यानी 57 प्लस समेशन ऑफ यू आई एफ आई यानी 37.5 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई यानी 400 इंटू 2, ये 200। 57 प्लस 3 अपॉन 16 इक्वल टू 57 प्लस 0.187 इक्वल टू 57.19। अतः पेटी में रखे आमों का माध्य संख्या है 57.19। अतः पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या है 57.19।